हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हों आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कल वीडियो नहीं आई तो आप सभी परेशान हो रहे हो। आपके कमेंट भी आ रही है कि मैडम वीडियो क्यों नहीं आई कल और आज भी अभी तक नहीं आई है, लेकिन अब आ रही है वीडियो आपके लिए। आप परेशान मत हो, मैंने कल ही कंटेंट लिख लिया था लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, अब कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कभी कि मैं वीडियो आपके लिए नहीं लेके आऊँ। बाई चांस कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे काम आ जाते हैं, मैं नहीं बना पाती, तो वो बात अलग है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सगुण भक्ति धारा, मतलब कि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं दोनों, संत काव्य और सूफी काव्य। अब पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा और इसमें आप सभी को मालूम है कि राम काव्य आता है और कृष्ण काव्य आता है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि सगुण भक्ति धारा है ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में एक बार जानकारी दे देती हूँ आपको, उसके बाद हम राम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए दिया है कि सगुण होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सगुण भक्ति धारा है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिन भक्त कवियों ने साकार ईश्वर की, मतलब कि उनकी तस्वीर को, उनके रूप को सामने रख कर के उनकी उपासना की और उस उपासना में ही उन्होंने जो काव्य रचना की थी ना, उसी को कहते हैं सगुण भक्ति काव्य। ठीक है दोस्तों, और यही लिखा गया है इस पॉइंट में। देखिए, जिन भक्त कवियों ने साकार ईश्वर की उपासना की थी और जो काव्य रचना की थी, उसको ही सगुण भक्ति काव्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, ये सगुण भक्ति काव्य हो गया। आपने निर्गुण में देखा था कि इनका जो ईश्वर होता है वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया सगुण में और निर्गुण में अंतर। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सगुण भक्त कवि अवतारवाद में विश्वास रखते थे। दोस्तों, ये जो सगुण भक्त कवि थे ये अवतारवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, सगुण भक्त कवि ईश्वर की विभिन्न लीलाओं का गायन करते थे। दोस्तों, सगुण भक्त कवि थे ये ईश्वर की विभिन्न नाना प्रकार की जो लीलाएं हैं उनका गायन करते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए इसमें, लास्ट वाला पॉइंट, सगुण भक्ति के प्रवर्तक का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, सगुण भक्ति का जो प्रवर्तन है ना, इनका जो प्रवर्तन किया है उसका श्रेय किसको दिया जाता है, वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए शॉर्ट में ये लिख दिया, ये जो इतनी मैंने आपको सुनाई है कहानी, मतलब कहानी भी है और एक तरह से आपके अंदर समझ विकसित होगी कि सगुण भक्ति काव्य धारा है ये क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सगुण भक्ति काव्य धारा है ये, सगुण भक्त कवियों ने इसमें साकार ईश्वर की उपासना की। ठीक है, जिसको जिसका कोई आकार नहीं होता है और उसी को कहा गया है सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझ आ गया, और इन्होंने अवतारवाद में विश्वास किया है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर के जो अलग अलग रूप है उनका इन्होंने वर्णन किया, उनकी लीलाओं का, और सगुण भक्ति के जो प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है वो वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, चलो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है सगुण भक्ति काव्य धारा के भेद, जो कि मैं पहले दो बार आपको करवा के दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो दोबारा से देखेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहली है इसमें रामाश्रयी काव्य धारा, ठीक है, दूसरी है कृष्णाश्रयी काव्य धारा। तो ये सब बात आपको मालूम है, रामाश्रयी को राम काव्य भी बोलते हैं, कृष्णाश्रयी को कृष्ण काव्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को मालूम है कि राम काव्य है इसके जो प्रवर्तक है, ठीक है दोस्तों, जो प्रतिनिधि कवि है वो है तुलसीदास जी, और कृष्ण काव्य के है सूरदास जी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम पढ़, देखिए यहाँ तक का आपको विभाजन इनका समझ में आ गया। ठीक है, ये सगुण भक्ति धारा के भेद है दो। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रामाश्रयी जो काव्य धारा है, मतलब राम काव्य को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कृष्ण काव्य को। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राम काव्य धारा है ना, इसके सबसे पहले तो आप प्रवर्तक का नाम जान लीजिए। इसके जो प्रवर्तक है ना दोस्तों, वो है आचार्य रामानंद जी। ठीक है, आचार्य रामानंद जी है ये इसके प्रवर्तक है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। देखिए, तुलसीदास जी इसके प्रवर्तक नहीं है, इसके प्रतिनिधि कवि है। ठीक है दोस्तों, प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये दोनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि इसके प्रवर्तक है रामानंद जी और इसके प्रतिनिधि कवि है वो है तुलसीदास जी। ठीक है, यहाँ तक मालूम हो गया। अब देखिए, जिन सगुण भक्त कवियों ने, सगुण मतलब कि जो ईश्वर के रूप को सामने देख करके, मतलब आकार को देख करके उसकी उपासना करते थे वो सगुण भक्त कवि, उनके द्वारा भगवान विष्णु का जो अवतार है ना, जिसको राम के नाम से जाना जाता है, उसकी उपासना की गई थी और उसी को बोलते हैं राम भक्ति काव्य। ठीक है,
दोस्तों उसी को बोलते हैं राम भक्ति काव्य, और उसमें जो काव्य लिखा गया ना उसी काव्य को बोलते हैं रामाश्रय काव्य धारा। ठीक है, आपको समझ में आ गई। चलो हम पढ़ते हैं इसको एक बार। देखिए, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई और राम की भक्ति में ही काव्य सृजना की गई उसी को राम भक्ति काव्य धारा बोलते हैं, या फिर रामाश्रय काव्य धारा भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात देखिए, इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है, आपको सीधी सीधी बात मालूम है कि राम भक्ति काव्य धारा है, इसमें भगवान विष्णु का जो रूप है राम इसकी पूजा की गई और इसकी पूजा में जो काव्य लिखा गया उसी को बोलते हैं रामाश्रय काव्य धारा या फिर राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात भी आपको मालूम हो गई। चलो आगे पढ़ते। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो राम के ऊपर जो काव्य लिखा गया उसका आदि स्रोत कौन सा है। ठीक है, उसका आदि ग्रंथ है वो कौन सा है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी ना, ये राम कथा का आदि स्रोत है। ठीक है, वाल्मीकि जी की रामायण है, ये ही रामायण की मतलब जो कथा है उसका आदि स्रोत है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम रखना है। देखिए, ये काफ़ी सभी पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको यहाँ पर लिखा ही नहीं है। ठीक है, महाभारत के शांति पर्व, द्रोण पर्व और आरण्यक पर्व, ठीक है, आरण्यक पर्व है, इसमें वाल्मीकि रामायण की कथा मिलती है। कौन कौन से में? शांति पर्व में, द्रोण पर्व में और आरण्यक पर्व है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें वाल्मीकि रामायण है, इसकी कथा मिलती है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है कि राम कथा के चार प्रसिद्ध संवाद है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार पिछली बार, तो आपको ये ना ये अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं ऊपर कर देती हूँ उसको। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है ना, पिछली साल आया है, हालांकि नेट जेआरएफ में नहीं आया, किसी और एग्जाम में आया, लेकिन यहाँ भी आ सकता है जब कहीं और आया है। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा राम कथा का मतलब संवाद नहीं है। ठीक है, संवाद नहीं है या फिर कौन से ने व्याख्या नहीं की है, इस तरह से दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे सुन लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पे संवाद हुए हैं। देखिए, शिवजी ने पार्वती जी को रामकथा सुनाई, सबसे पहला संवाद ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करना है कि भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई। और जब आप रामायण देखते हो तो आप बीच बीच में देखते हो ना, शिव जी पार्वती जी को सुनाते रहते हैं, तो पार्वती जी बार बार बोलती है कि आगे क्या हो गया प्रभु, तो वो बोलते हैं कि अभी रुको आप देखती जाओ, ऐसे बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये वही है। ठीक है दोस्तों, शिवजी ने पार्वती जी को राम की कथा सुनाई। काकभू सुंडी ने गरुड़ को रामोपाख्यान सुनाया। दोस्तों ये काकभू सुंडी है, इन्होंने गरुड़ को रामोपाख्यान सुनाया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। याज्ञवल्क के है, इन्होंने ऋषि भारद्वाज है इसको सुनाया, याज्ञवल्क ने ऋषि भारद्वाज को सुनाया। ठीक है दोस्तों, और तुलसीदास जी ने साधु भक्तों को रामकथा सुनाई। तो ये चारों स्रोत है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ये चारों की जानकारी होनी चाहिए। आ गए आपको बात समझ में? है तो चलो आगे चलते। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, मतलब कि इसमें विशेष बात कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, और फर्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यह काव्य धारा आदर्शवाद और मर्यादावाद का मतलब मर्यादावाद पर आधारित है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दो शब्द आए हैं ना, आदर्शवाद और मर्यादावाद, इनकी अगर मैं व्याख्या करूँ ना तो बहुत ही अच्छी इनकी व्याख्या है। देखिए, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो मर्यादाएं अपने जीवन में बनाई, चाहे उनकी ज़िंदगी चली जाए, चाहे उनके प्राण चले जाए, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं से, अपने जो उन्होंने नियम बनाए उनसे कभी पीछे नहीं हटे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक संवाद। जब भगवान राम जा रहे थे ना वनवास के लिए, तो सभी लोग जो अयोध्यावासी थे वो उनको रोक रहे थे कि आप रुक जाओ रुक जाओ, तो वो रुक नहीं रहे थे। कोई उनके रथों को छुपा रहा था कि किसी भी तरह ये रुक जाए। तो एक वृद्ध पुरुष वहाँ पे आए थे और उन्होंने देखा कि ऐसे गौर से देख रहे थे, तो भगवान राम ने उनको आगे से ही बोल दिया कि अरे आप मुझे रोको मत, जाने दो, मुझे जाना है और जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना रोकने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया हूँ कि त्यागी पुरुष दिखते कैसे है, मर्यादावादी जो पुरुष होते वो दिखते कैसे हैं, मैं तो ये देखने आया हूँ। तो कितनी बड़ी बात वहाँ पे कही गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मालूम रखनी है।
तो हमारा ये जो राम भक्ति काव्य धारा है, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है ये यही है कि ये आदर्शवाद पर, मतलब जिंदगी में जो हमारे आदर्श होते हैं ना, अच्छा चरित्र रखना, अच्छी विशेषताएं अपने अंदर रखना, अच्छे से व्यवहार करना, शिष्टाचार करना, ठीक है, दूसरों का अच्छे से अभिवादन करना, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो इस पर आधारित है राम काव्य, ठीक है, आदर्शवाद पर और मर्यादावाद पर, ठीक है। तो ये आपको मालूम हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट में राम भगवान है, इनकी लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है, ठीक है दोस्तों, लोकनायक के रूप में इनकी स्थापना की गई है। इसमें अवधी भाषा का अधिक प्रयोग है। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं और कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हैं कि उनको चीज़ों को, मतलब ऐसे नहीं है कि अपने अनुभव के आधार पर उनको समझे, वो क्या करते हैं, उनको रटने लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वो यही पढ़ने लगे रहते हैं कि जो राम काव्य है वो ज़्यादातर अवधि भाषा में लिखा गया, राम काव्य है वो अवधि भाषा में लिखा गया। अरे भाई, आपको ये ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राम भगवान यूपी के आसपास के इलाके के थे, ठीक है, तो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो अवधि थी, तो अवधि में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसमें अधिकतर प्रयोग ये हुआ है, और भी बहुत सारी भाषाओं में राम काव्य लिखे गए हैं, जिनके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन समझ के भी करने हैं, ठीक है, कई बार आपको याद नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आया तो आप अपनी समझ पर आधारित भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके अधिकतर कवियों ने दास्य भाव की भक्ति पद्धति अपनाई है। देखिए इसमें जितने भी कवि हैं उसमें से अधिकतर कवियों ने दास्य भाव की भक्ति अपनाई है, ठीक है दोस्तों। राम काव्य है ना दोस्तों, ये प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचना की गई है इसमें, ठीक है। प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया गया है, यहाँ पे प्रकृति के नाना प्रकार के रूपों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। इसमें रसों का प्रयोग हुआ है, शांत भक्ति रस की प्रधानता है, ठीक है दोस्तों। देखिए रसों का, बहुत सारे रसों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन शांत और भक्ति रस है इसकी यहाँ पे प्रधानता देखी गई है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अधिकतर जो कवि है उन्होंने स्वांत सुखाय की भावना को आधार बनाया है और फिर अपनी काव्य सृजना की है, ठीक है दोस्तों। इसमें दार्शनिक विचारों का भरपूर प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसमें दार्शनिक विचारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। मानवतावाद, समन्वयवाद और सामूहिकता पर जोर दिया गया है राम काव्य में, ठीक है दोस्तों। ये सभी विशेषताएँ हैं राम काव्य में और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपने रामायण सबने देखी है तो आपको ऐसे भी ये सब आते होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे ऐसे थे जो याद करने वाले, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि राम भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से है। तो पहला संप्रदाय है, इसका नाम है श्री संप्रदाय, ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से आचार्य हुए, इनके नाम पढ़ लीजिए, इनका क्रम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये ही इनका क्रम है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए श्री रंगनाथ मुनि है, ठीक है, पुंडरीकाक्ष है, राम मिश्र है, यमुनाचार्य है और रामानुजाचार्य है। और दोस्तों ये रामानुजाचार्य है ना, इनको शेषनाग और लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। तो यही इनका क्रम है, आप क्रम से इनको लिखना और क्रम से याद करना, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, और इसके जो आचार्य है ना ये है माध्वाचार्य, और इसका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो द्वैतवाद है, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और देखिए थर्ड वाला है रामानंदी संप्रदाय, इसके जो आचार्य है वो है रामानंद, ठीक है, यहाँ तक की बात आपने पढ़ ली है अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं इसको, देखिए राम कथा पर रचित संस्कृत नाटकों में महाकवि भाष के द्वारा लिखा गया नाटक है प्रतिमा नाटक, ठीक है दोस्तों। ये पहला नाटक माना जाता है जो कि राम की कथा पर आधारित है और संस्कृत का नाटक है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया, महाकवि भाष के द्वारा, नाटक का नाम है प्रतिमा नाटक। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा, इसमें आपको बताना है कि कौन किसका गुरु है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो रामानंद है ना, रामानंद किसके गुरु है, तो दोस्तों ये अनंतानंद के गुरु है, ठीक है, अनंतानंद के ये गुरु है रामानंद, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं एक वो लगा देती हूँ इसमें, तो आप याद रखना, ठीक है, अनंतानंद के गुरु है रामानंद। अब देखिए कृष्णदास बेहारी है, ठीक है दोस्तों, इसके गुरु कौन है, इसके गुरु है अनंतानंद, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए। अब देखिए कीलदास है दोस्तों, एक तो एक नाम है कीलदास और एक नाम है अग्रदास, और इन दोनों के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, कृष्णदास बेहारी, ठीक है दोस्तों, इसके गुरु ये है। अब देखिए लास्ट वाले कौन से बचते हैं, लास्ट में बचते हैं नाभदास, नाभदास के जो गुरु है उनका नाम है अग्रदास, ठीक है दोस्तों, और द्वारकानाथ है, इनके गुरु का नाम है कीलदास, ठीक है, इस तरीके से ये क्रम है। इसके अलावा और भी गुरु शिष्य परंपरा बहुत लंबी है, लेकिन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिए, और बाकी के मैं आपको पढ़ाती चलूँगी, बताती चलूँगी, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए इसलिए रखा है कि कई बार है ना राम के ऊपर कितना काव्य लिखा गया है, किस किस ने क्या क्या लिखा है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने आपके लिए एक किताब में से फ़ोटो खींच के प्रिंट लगाई है, इसको आप पढ़ लेना कि किसने। देखिए मैंने आपको अभी बताया था ना कि महाकवि भास ने एक वो लिखा है नाटक, और उसको प्रथम नाटक माना जाता है। देखिए ये रहा ना भास्कृत प्रतिमा नाटक है, ये प्रथम नाटक माना जाता है जो राम के ऊपर लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ना अच्छे से एक बार, ठीक है। रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ना, और हो सके तो लिख लेना, ठीक है दोस्तों। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, राम भक्ति में चर्चित ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, अलग अलग समय में भी लिखे गए थे, ठीक है। तो आप इनको एक बार लिखना और पढ़ना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो तो देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी जानकारी ऐसी रही हो जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है दोस्तों। चलो तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो मन लगा के, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय।